एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, होटल का भी अटैच पार्किंग है। तो ये होटल का नाम आपको बताएंगे, रूम भी थोड़ा सा दिखाएंगे, भाड़ा भी आपको एक प्रॉक्सिमेट आइडिया दे देंगे। ये भैया दिस इज द रूम ऑफ द होटल। यहाँ पर देखो पूरा रेस्टोरेंट का फैसिलिटीज लगा हुआ है। तो बैठे हुए यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर गीजर भी सिस्टम है, ऑल दिस थिंग्स आर फैसिलिटीज। फ्रेंडली होटल, गजब का व्यू, कैलाश दर्शन और गजब का हॉस्पिटलिटी। अगर आप कल्पा आ रहे हो रिकॉन पियो में कुछ अच्छी जगह चाहते हो रहने के लिए, सो दैट कुड बी योर गुड डेस्टिनेशन। अगर आप कल्पा आ रहे हो रिकॉन पियो में कुछ अच्छी जगह चाहते हो रहने के लिए, सो दैट कुड बी योर गुड डेस्टिनेशन। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल है जिसके सामने देखो ये पूरा किन्नर कैलाश का आप व्यू देख सकते हो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको एप्पल का बगीचा। तो ये होटल का नाम आपको बताएंगे, रूम भी थोड़ा सा दिखाएंगे, भाड़ा भी आपको एक प्रॉक्सिमेट आइडिया दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी रहेगा, कॉल कर लो, बुक कर सकते हो। तो चलिए आप दिखाते हैं इस होटल का रूम। ये भैया दिस इज द रूम ऑफ द होटल। वाओ, ये बालकनी, यहाँ पर बैठे हुए यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल व्यू। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फैमिली के साथ आते हो, हस्बैंड पर आते हो, यहाँ पर बैठो, यू कैन स्पेंड द टाइम। देयर इज अ टेलीविजन ऑल्सो। ओके, पूरे बगीचे के अंदर से और यह से पूरे हरे भरे से। ओके, यहाँ पर एप्पल ट्री आपको यहाँ पर दिख सकता है। अच्छा, वेल डेकोरेटेड डेकोरेशंस है, अलमीराज है। ओके, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज द वॉशरूम। ओके, यहाँ पर गीजर भी सिस्टम है, ऑल दिस थिंग्स आर फैसिलिटीज। अच्छा भाई, ये जो जगह है एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? ये कल्पा, ये मेन बस स्टैंड, कल्पा जो मेन बस स्टैंड। अच्छा, कल्पा मेन बस स्टैंड से उतरने के बाद कहाँ पर जाए? बस इधर ही जो सामने, ये जो सामने ही है ना, यही तो पैदल पैदल। अच्छा अच्छा अच्छा, सपोज आप अगर आप लोग स्पीति लाहौल स्पीति जा रहे हो, डायरेक्टली तो कोई बस नहीं जाता है आपको, शिमला से चंडीगढ़ से आपको रिकॉन पी और कल्पा ही आना है। ठीक है, आकर यहाँ पर एक दिन रुक जाओ, एक दिन दो दिन यहाँ पर साइट सीन कर लो, करके आप जा सकते हो। अगर यहाँ से आपने छतकुल जाना है तो सुबह मॉर्निंग आपको यहाँ से बस मिल जाएगा, HRTC की बस सीधा आपको छतकुल के लिए, छतकुल मिल जाएगा। हाँ जी, जैसा आपने नको चंगो जाना है तो हम यहाँ से उनको यहाँ से भेजते हैं, क्या बोलते हैं, पीओस तक कोई बस में, फिर वहाँ से वो आगे अपने आप चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये अच्छा, अप्रोक्सीमेटली इस होटल का भाड़ा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, नंबर भी देते हैं। तो लोकेशन तो बहुत प्राइम है, एकदम कल्पा बस स्टैंड के सामने। चलिए बस स्टैंड को थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये नीचे से हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ये पार्किंग का भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ओके, अच्छा यहाँ पर चाहो तो खा भी सकते हैं, रेस्टोरेंट भी, अटैच रेस्टोरेंट भी है। दिस इज द रेस्टोरेंट भैया। यहाँ पर देखो पूरा रेस्टोरेंट का फैसिलिटीज लगा हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर बैठकर यू कैन हैव देयर लंच डिनर। खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, देखो ये सब जाकर भी यहाँ पर ही दोपहर का लंच कर रहे हैं। ओके, दिस इज द प्लेस भैया। और ये जो बाहर का रास्ता है आपको मैं दिखा दूँ, दिस इज द कल्पा बस स्टैंड। ये बस स्टैंड लास्ट। अच्छा, स्टॉप हो जाते हैं, अभी बसें नहीं है ना आज। अच्छा, ये है बस स्टैंड, अभी आज संडे है इसीलिए बसेस नहीं है। हाँ। यहाँ पर जगह स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पर आप उतरना है, यहाँ से पैदल आपको ये इधर तक आ जाना है। यहाँ पर रहने का जगह, यहाँ पर खाने का जगह, कमाल का जगह है भाई, बहुत ही प्राइम लोकेशन। फ्री कॉस्ट पार्किंग, अगर आप फैमिली गाड़ी में आ रहे हो तो फ्री कॉस्ट पार्किंग भी लगा लो, एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। ओके, पार्किंग भी है, ये भी फ्री कॉस्ट। अच्छा, ये भी आप, ये भी, ये होटल का भी अटैच पार्किंग है भाई। यहाँ पर तीन चार चीज़ आपको मिलेगा, बजट फ्रेंडली होटल, गजब का व्यू, कैलाश दर्शन, खाना इंक्लूडेड, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और गजब का हॉस्पिटलिटी। ओके, तो चलिए ऊपर भी चलते, ऊपर भी देखते, ऊपर का भी नज़ारा कैसे इधर देखते हैं। ओके ओके, आराम से चलना पड़ेगा। ओके चलो, ठीक है ना, ठीक ठाक जा रहा हूँ। ओके चलो जी, यस, होटल के छत पे आ चुके हैं हम लोग। वाओ, हिमालय की पहाड़ी बादल से ढका हुआ है ना ये, नहीं तो ये बहुत खूबसूरत और इतनी अच्छी व्यू है इसका यहाँ से देखने के लिए। ओके, और ये सामने ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री वगैरह, जो हाँ ये तो देवी मंदिर वगैरह, हाँ ये सारा जो साइट सीन वगैरह पैदल पैदल जा सकते हो, आपको गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। क्या 100 मीटर के दायरे, 100 मीटर के दायरे में है। ओके, ये क्या बोलते बगीचा, ये सब यहाँ से भी देख सकते हो। ये तो व्यू तो जबरदस्त है यार, कमाल के जगह। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी का, आप ही ओनर हो ना? हाँ जी। ओके, जयप्रकाश जी का ये पूरा होटल है, जयप्रकाश जी का ये बड़ा बगीचा है भाई। बस स्टैंड के सामने आ जाओ, डिस्क्रिप्शन नंबर है, जाओ कॉल करो। ओके, आप थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा नेगोशिएट करके बुक कर लो।
यहाँ पर देखो होटल का पूरा डिटेल्स है, नाम है हिमालयन स्टार होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। फ़ोन नंबर देखो यहाँ पर है 6230231309, यहाँ पर है 7018181309, तीसरा है 9816916391, चौथा भी है 9459214007 8981691। पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला, ओके 9816916391। इसमें डायरेक्टली कॉल करना, ज्यादा बढ़िया होगा, झट से आपका बुकिंग हो जाएगा।